धार्मिक स्थलों जेवा के मंदिर मस्जिद के देहरा स्थलों पर पूजा विधि माटे उपयोग में लेवायेल फूलों ने नदी में विसर्जित कर देवामां आवे छे। जो कि तेनाथी तापी नदी दूषित थती हती, जेथी बेवर्नी कम्पोस्ट प्लांट द्वारा मनपा छेल्ला 3 वर्षथी शहेरना दरेक मंदिर दरगाह पर चढ़ावायेला फूलना कचरामांथी अळसियानुं खातर बनावानी कामगीरी करी रही छे। खास करीने मनपा संचालित बाग बगीचाओमां खातरनो उपयोग करवामां आवी रह्यो छे। एटलुं ज नहीं परंतु मनपा आ खातरनुं वेचाण करी आवक पण उभी करी रही छे। आ खातर 100% ऑर्गेनिक होवाथी पर्यावरणने फायदाकारक छे। जो कि कोरोना काळमां पण प्लांट बंध न राखता झाड़पानना ट्रीमिंग वेस्टमांथी खातर बनवानी कामगीरी मनपा द्वारा हाथ धराई हती। महत्वनी बात तो ए छे कि विदेशोमां पण आ प्रोजेक्ट वखाण करी रह्या छे अने घणा विदेशीओ आ प्रोजेक्टनी रूबरू मुलाकात पण लई रह्या छे। साथे हवे लोको पण जागृत थया छे अने मंदिरमां पूजापो चढ़ाव्या बाद पोते ज खातर बनावा माटे सेंटर उपर आपी जता होय छे। प्लांट इन्चार्ज H.C. પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે કોરોનાને કારણે મંદિર મસ્જિદ બંધ રહેવા છતાં પણ અમે ખાતર બનાવ્યું છે। ઝાડ પાન અને નાના છોડવાઓના ટ્રીમિંગ બાદ જે કચરો નીકળે છે તેના દ્વારા આ ઓર્ગેનિક ખાતર બનાવાયું છે। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા 3 વર્ષમાં 600 ટન કરતાં પણ વધુ કચરાનો ઉપયોગ કરીને 160 ટનથી વધુ અળસિયાનું ખાતરનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે। સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ચલાવવામાં આવતા વર્મી કમ્પોસ્ટિંગ પ્લાન્ટ ઇન્ચાર્જ तेमज सेनेटरी सब इंस्पेक्टर NC पटेल ना जय हिंद जय भारत। आप सब जाणो छो तेम 3 वर्षथी सूरत महानगरपालिका पोताना बे वर्मी कम्पोस्टिंग प्लांट द्वारा दरेके शहरना दरेके दरेक मंदिर तथा दरगाना फूलना कचरामांथी अळसियानुं खातर बनावानी कामगीरी करी रही छे। मित्रों, छेल्ला मार्च महीनाथी कोरोना वायरस द्वारा फैलावामां आवेल COVID-19 नी महामारी अंतर्गत आ प्लांट में मंदिरों दरगाहों वगैरह बंद रहेवाथी फूलों कचरो उपलब्ध थई शक्यो नथी। छतां पण आ कुदरती खातर बनावानी प्रक्रिया ने न रोकता अमारा डिपार्टमेंटे शहेरमांथी निकळेल ट्री ट्रीमिंग अने प्लांट ट्रीमिंग एटले के झाड़वाओनो ट्रीमिंग द्वारा जे कचरो निकले छे पांदड़ानो छोड़वाओना ट्रीमिंग द्वारा जे कचरो निकले छे अने अन्य झाड़पानना कचरानो उपयोग करीने पण आ खातर बनावानी कामगीरीने सतत चालू राखी छे। तो आ संदर्भे सूरतनी जाहेर जनताने मारी एक विनंती के हवे आगळ जता जनजीवन जेम सामान्य बनतुं जशे तेम आ बधी पूजा सामग्रीनो उपयोग रेग्युलर घरमां थतो जशे। तो आ फूलोनो उपयोग कर्या बाद एना वेस्टने गमे त्यां न नाखी देता, नदीमां न पधरावता, तेमज डोर टू डोरनी गाड़ीने न आपी देता। जो अमारा बे प्लांटमांथी कोई पण एक प्लांट उपर तमे आ पहोंचाड़ो छो तो आ कचरानो सदुपयोग करी एमांथी अमे अळसियानुं खातर बनावी शकीए छे अने ग्लोबल वॉर्मिंग जेवी परिस्थितिने नाथवामां उपयोगी एवा एक सोनाना खातर एटले के अळसियाना खातरनो उत्पादन करी शकीए छीए। तो जाहेर जनताने बस आज विनंती छे अने मारा सूरतवासीओने जाणीने खूब खूब आनंद थशे कि पाछला 3 वर्ष दरमियान अमे 600 टनथी वधारे कचरानो उपयोग करीने 160 टनथी वधारे अळसियाना खातरनो उत्पादन करी चूक्या छे। तो मने आशा छे के मारी जाहिर जनता मने आ प्लांट ने आगळ वधारवामां मदद करे अने पोताना घरमां रहेल फ्लावर वेस्ट के पांदड़ाना वेस्टनो निकाल गमे त्यां न करता मारा प्लांट उपर पहोंचाड़े अने आ खातर बनावानी एक ऑर्गेनिक पद्धतिने आगळ वधारवामां सूरत महानगरपालिकाने मददरूप थाय एवी आशा सह विरमू छुं। जय हिंद जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज सूरत।